नमस्कार आदाब, आप लोग देख रहे हैं न्यूज़ लाइन कोलकाता। हम आपको एक सड़क की तस्वीर दिखा रहे हैं जिसमें यह सड़क आप देख सकते हैं, इसकी तेज़ रफ्तारी यह बयान करती है कि इस तेज़ रफ्तारी में कभी भी कोई भी घटना घट सकती है। जी हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ बुधवार की रात जब एक MBI अधिकारी अपना ड्यूटी कर रहा था, यानी वो गाड़ियों की चेकिंग कर रहा था, तो उसके साथ एक बहुत ही दुखद घटना घटी जब MBI अधिकारी और उसके साथी एक सिविक वॉलेंटियर रानीहाटी जंक्शन के करीब कोलकाता जाने वाली लेन में जब वो गाड़ियों की चेकिंग कर रहे थे तो सामने खड़ी एक लॉरी की चेकिंग चल रही थी। उसी दौरान उन्होंने देखा कि पीछे से एक तेज़ रफ्तार लॉरी जो है आ रही है। उन्होंने इस लॉरी को रोकने की कोशिश की मगर उस लॉरी ने अपना आपा खो दिया, अपना कंट्रोल खो दिया, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा हादसा हुआ। इस हादसे में मौके ही वारदात पे लॉरी का ड्राइवर, MBI के अधिकारी और सिविक वॉलंटियर की जान चली गई। जैसा हम आपको तस्वीर में दिखा रहे हैं, ये लॉरी की तस्वीर है कि लॉरी की जब हालत ऐसी है तो आप सोच सकते हैं उस वक्त क्या हुआ होगा। उसके बाद उनको पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया मगर उनको वहीं पर मृत घोषित कर दिया गया। उसके बाद उन्हें हावड़ा अस्पताल में भेज दिया गया। अभी ये मामला पुलिस के पास है। पुलिस के जराए के मुताबिक हमने आपको यह रिपोर्ट दिखाई। आइए देखते हैं मृतक के घर वालों का क्या कहना है इस मामले में। दसटार समय बेड़े छो, नाइट ड्यूटी जेमन नॉर्मल है तेम ही नाइट ड्यूटी। ও কি সিভিকে কাজ করত? হ্যাঁ সিভিকে কাজ করত। তো ট্রাফিকে? হ্যাঁ ট্রাফিকে, ট্রাফিকেই থাকে। কালকে কি বাড়ি থেকে কি বলে বেরিয়েছিল? কালকে এমনি যেমন নরমাল খাওয়া দাওয়া করে বেরে নরমাল তেমনই গেছে। কোথাও ডিউটি যাচ্ছিল কিছু বলেছে? খুদ নরেন্দ্র মোড়ে ডিউটি থাকে, আবার মাঝে মাঝে চেঞ্জ হয়, বলে না কোথায় হয়, মাঝে মাঝে বলে মাঝে মাঝে বলে না। কতদিন ধরে চাকরি করছে? সেই প্রথম থেকে 2013 থেকে। আমার বাড়িতে আমার মা, দিদি আর আমি। বাবা মারা গেছে গত 1 বছর হলো। ফোন করে ওনারাই বলেছেন, বললেন যে আমি ফার্স্টে ফোন ধরিনি, মানে বুঝতে পারিনি, তারপর ফোন যখন ধরলাম উনি বললেন যে আর নেই, মারা গেছে উনি। হ্যাঁ না, উনি শুধু বললেন অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে, মারা গেছে, এই বলেছেন। আপনাকে কি গেছেন এখন কোথায়? না আমাদের এখনো কেউ যায়নি, আমার দাদারা যাবে, জ্যাঠার দাদারা যাবে। থানা থেকে কেউ বা ট্রাফিক থেকে কেউ এসেছিল আপনাদের বাড়িতে? না ট্রাফিক থেকে এখনো কেউ আসেনি। আমার নাম মৌমিতা বিশ্বাস।